एआईसीसी सदस्य विवेक बंसल कल संचौर आए, जिसमें अपना बूथ गौरव अपना गौरव तले विधायक सुखराम बिश्नोई की ओर से डाक बंगले में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वे हजारों लोगों से रूबरू हुए। आप लोगों को उस सांस से सावधान रहना है, उनके पीछे लोग नहीं, आपके पीछे लोग, कार्यकर्ता के पीछे लोग ज्यादा है, उन नेताओं के पीछे लोग नहीं है। कभी चाल नहीं डरते, अब तो सिर्फ पहले का था जाने हुआ नानीवाड़ा जागरण का नाम बात राजनीति की रतन देवासी का नाम कैसे हराएंगे, कौन सी ताकत हराने की आप भी बोल उतरे। बीजेपी के पदाधिकारी वोट मांगता टिकट मांगता कांग्रेस से, मेरे पोते को टिकट दो, पदाधिकारी बीजेपी का, हवा चली कांग्रेस की, वोट कांग्रेस के मांगने लगे, ऐसे लोगों से सावचेत तक रहे जो राजनीति के अंदर समाज के अंदर जागरण की बात करते हैं, जागरण की राजनीति चलाते हैं। मैं अपने आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका जब तक साथ है ये भले कितने जागरण तक थे कोई लोग जाने वाले नहीं है। क्यों? कि मैं 24 घंटे हाजिर हूं, रतन जी 24 घंटे हाजिर है, समर्थी सिंह 24 घंटे हाजिर है, कितने भले 100 बार आदमी समर्थी सिंह कुछ भी कहते कभी बोलते नहीं है, कुछ भी कहते तो कभी नहीं बोलते, हमें गुस्सा आता है, कुंडली गुस्सा नहीं आता है। ऐसे संजीदा व्यक्ति हमारे जिला अध्यक्ष है, मैं पूरे अवसर से निवेदन करूंगा कि पूरे जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को जितानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, आप सीटों में उठावे, आप सीटों बैठे सबको उठा करके सरकार बनेंगे, तब तो रतन जी मंत्री बनेंगे, समित्री मंत्री बनेंगे, अपना भी काम होगा, अपनी बात चलेगी, बोलनी से आवाज चलेगी। इस पूरे मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो किले कितने बड़ी बाधा डाले, कितने प्रयास करते, हमारे चंद्रशेखर बली साहब ने कहा, कई कार्यकर्ताओं ने कहा, ये हमारे गंगराम जी बड़े उग्र भाषण देते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कोई कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार है, पार्टी का संगठन है, पार्टी की एकता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं मेरी बात को पूरा करूंगा और पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाले 2-3 महीने के 2 महीने के बाद में हमारे जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी आएंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, उस दिन इसी जगह मीटिंग करेंगे, एक बार आपको और पधारना है, फिर 12 बजे तक पधारना है, फिर 24 घंटा हम हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।